가속 남겨야지. 새로운 자 뭐래? 새로운 자세비. 얘저 만두구들이 해구리야. 아까 미시잖아 얘. 한지 미리 와이드. 어, 얘 뭐자 개 살가 다 얘? 얘 11살 살가 다. 오, 11 महीने. 11 महीने का. तो इसमें जो इतनी जो घिनौनी तरीके से मौत हुई है ट्रैक्टर के द्वारा, जो पुलिस प्रशासन को आप लोग क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी, पुलिस प्रशासन को क्या कहना था, 5:30 बजे से एक्सीडेंट हुआ था दिन का हमारे पास, यानी कि पूरे पुलिस तो आई मौके पे वहाँ पे, यानी उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की। जब टाइम गांव का पूरा प्रेशर पड़ा ने पुलिस वालों पे, तब जाकर कार्रवाई हुई, यानी कि 6 घंटे बॉडी सड़क पे ही रही थी। 6 घंटे डेड बॉडी रोड पे रही थी, नहीं कोई पब्लिक थी वहाँ जी, पूरा गांव था जी, पुलिस भी थी, लेकिन कोई जब उन पर पूरा प्रेशर पड़ा ना, तब जाके उन्हें गिरफ्तार कराया जी। और ट्रैक्टर वाला उनके परिवार में से कोई नहीं आगे देखा वहाँ? ना कोई नहीं जी, यहाँ से दाग पे तक भी नहीं आए, मेरे घर तक भी नहीं आए जी, ना मौके पहुंचे जी, कोई नहीं पहुंचा जी उनके घर परिवार में से भी जी, यानी उन्हें ये भी नहीं देखा आने का, या उनके बंदे जीवे हैं मर रहे हैं कि है, कितने चोट लग रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं चीज से। और ये मंजू का भाई यानी कि आपका साला लेने के लिए आया हुआ था? हाँ जी। बहन भाई जा रहे थे वहाँ जी। ये गरीब मार होती है जी, ये छोटा आसियाना है, गरीब फैमिली है, और ये भाई साहब अपना शुभ नाम क्या बताया था? सरवण जी। सरवण भाई हैं, इनकी मिसिज थी वो, 11 महीने का बच्चा था, जो एक झपके में ही वो झपके आई ट्रैक्टर वाले की दारू की वजह से, एक पल में ही ट्रैक्टर चालक नशे में था और इनके परिवार का सर्वनाश हो गया है। आज जो है हम जितने भी जो है वाहन चालक जो भी हैं उनसे निवेदन चाहेंगे कि ऐसी गलती का कोई ऐसा काम ना हो कि वो दारू के नशे में किसी परिवार की बर्बादी हो जाए, जैसे आज ये भाई के साथ में हुआ है। आज शिक्षा मिलती है तो गरीब फैमिली में से किसी न किसी की बलि चढ़ के मिलती है, लेकिन अमीर लोग तो भी नहीं समझ पाता उनको कि इन कामों का, नशे का जो है गलत कारनामा होता है, गलत दिशा होती है ये करने से। दूसरी बात, जो हो गया उसको लेकर भी पछतावा ना होना और यहाँ पर ना आना, तो सरासरी जो है ट्रैक्टर चालक रविंद्र जी की गलती है, बल्कि इनको पीड़ित परिवार के पास में आकर इनको आश्वासन देना चाहिए और अपने विचार देने चाहिए, ताकि इनका दुख हल्का हो जाए। हो सकती है जी, जो यो ना नशा पानी करे ब्रेक दे देना, उसने थम भी ले नशे में टन था जी, उन्हें रेस ही दी पीछे बच्चे आके दोनों ट्रैक्टर को रेस ही दी, जो माड़ी साइड बचा देता खब्बे हाथ का निकलला ट्रैक्टर जी, मारे बच्चे बच जाते जी, ब्रेक दे देता जी भी बच जाते, और जिस टाइम ट्रैक्टर के नीचे आए नहीं और रेस दे दी जी, और 2-3 लड़के उसके पीछे भाजा उसका रोकने की कोशिश करी, उनसे नू बोलिया तम न भी जान तो मारूँगा जो ऊपर मेरे साइड में हाथ दिया, तो गाँव लग भाजे चले गए, लेकिन ट्रैक्टर नहीं थम्बिया जी, उन्हें ट्रैक्टर रोक कर फिर वो चोरी करके भाज गया जी वहाँ तक गाँव में। जी जो हादसा हो गया है, एक तो उसको लेकर भागना, बाकियों को धमकी देना, और एक तरीका ये होता भाई जो हादसा हो गया उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाना, कितना अच्छा लगता। जो ट्रैक्टर रोक का जी मारे बच्चों ने बैठाता मारता फोन करता मारे साथ रहता जी, मारा सारा दुख घना दुख हट जाता जी, वो वहाँ से मार का ट्रैक्टर भी भैज गया लेकर गाँव बोबाइल से भी छोड़ का ट्रैक्टर ने वो भैज गया जी, बिंजल साइड में जाकर पुलिस ने पकड़िया जी, जी वो अरेस्ट कराया जी थाने में जी। इंसानियत के भी कई रूप होते हैं जी, क्राइम करके भी खुंदक जगाना परिजनों के दिल के अंदर, एक वही सीन हो के उतना नुकसान हो के और उनका दिल जीत लेना, ये अपने अपने सबके तरीके होते हैं। वो उसने नहीं अपनाया, जो होया उसका मिस्टेक ही है, क्योंकि पीड़ित परिवार का कहना है हमारा कोई शिकवा नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, पहले जो हो गया उसको लेकर अगर उनको उठा के हॉस्पिटल में ले जाते तो उसकी बहुत बड़ी इंसानियत होती और परिवार की नज़रों में बहुत अच्छा होता। आप लोग क्या कहेंगे उनके बारे में? हम तो उन्हें बहुत अच्छा मानते जी, जो हमारे बच्चों ने अस्पताल में दाखिल कर दंदा या मारे आ जंदा या ट्रैक्टर मारे लाश दौरा छोड़ दंदा, कोई दिक्कत नहीं थी जी उसने, भाई मर गए हमारे बच्चों का टेम आया था, लेकिन बच्चे मार के स्पीड ट्रैक्टर खींच के और जी फिर वो फिर गाँव से भी लुक गया जी, फिर विंजल साइड बैदड़ साइड में जाकर चोरी वो पकड़ा जी पुलिस ने रात ना, फिर वो गिरफ्तार कराया। उसके जो गांव के थे उसका साथी थे वो भी धमकी भी दे का बोल रहे थे पब्लिक से, भाई मारा ही है छोड़ दे भी सना, पुलिस से भी तरीका नहीं कराया उन्हें ढंग से बोलने का, एक ताकि जो मरण वाले का अरे उसके परिवार का उसके गाँव के बंदों का दिल हौसला बन जाए, और धमकी देता चलता रहा। अगर वो धमकी देने के बजाय यहाँ आके
दाह संस्कार करवा के मेडिकल रिपोर्ट अपने हाथों से करवा के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के और आज भी यहाँ बैठा मिलता तो शायद कोई गुस्सा खुंदकना में कोई चीज़ ही नहीं होती। हाँ जी, कोई वो बच्चे जरूर मर गए तो जी उनके परिवार के सदस्य है वो भी नहीं आओ उसके परिवार के आते कोई भी आता कोई भी आ जाता हमारी चिता के ऊपर मारे दुख हदा ज्यादा हट जंदा जी। उनके गांव का एक भी बंदा नहीं आ लिया जी। और जो ये भाई हैं उनके मंजू के बड़े भाई हैं जो आपके घर में खुशी होने के बजाय अपनी बहन को लेने के लिए आ रहे हो और रास्ते में ही ये खुशी भगवान ने दूसरे परिवार की आपकी बहन की छीन ली गई। आप लोग जो ये हादसा हुआ है आरोपी के बारे में जो ट्रैक्टर वाले के बारे में पुलिस प्रशासन से क्या डिमांड करोगे, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए अपनी बहन के इंसाफ के लिए, क्या कहना चाहोगे पुलिस को आप लोग? बता जी ये कहूँ कि मैं रोड से जा रहा था, मैं आगे निकल गया भी था और निकलने के बाद में जब उसने एकदम से स्टेयरिंग घुमा के वो तो पहिया हमारी बाइक उस पर जो मेरी बहन बैठी थी पीछे उसके पैरों में लग गया। लगने के बाद में बाइक फिर कंट्रोल नहीं हो पाई, वो नीचे गिर गई। गिरने के बाद में बस उसने तो खींच दिया क्यों पहिया लग गया। अब ये पता नहीं कि दारू पी रहा क्या कर रहा, मतलब पहिया टक्कर लगी है कि ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा बिल्कुल। पहले पहिया लगया अगला, पहिया लगने के बाद में बाइक भी फिसल गई साइड बदल गई। अब जिसमें कि मैं रोड साइड से चल रहा था मगर टक्कर लगी है, ये टायर ऊपर से गुजरे यूं लग के नहीं, पहले टक्कर लगी उस पहिए की जी आगे से टक्कर लगी है। तो हमारा एक ही मानना है पुलिस प्रशासन से भी जांच करके जो भी आरोपी इसमें सामने आता है वो रविंद्र है या कोई और है, क्योंकि ये एलिगेशन मीडिया का नहीं है और जो है पुलिस का अपना काम अपनी कार्रवाई करना, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करें और जो पीड़ित परिवार की ये हेल्प करें इनके जो है रोड क्लेम में या FIR में, क्योंकि एक तो मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी वैसे टूट जाता है जिस घर में तीन तीन मौत एक साथ होती हैं, क्योंकि ये 5-6 महीने का बच्चा है पेट के अंदर, ये भी छोटा नहीं है और चाहे वो 10 दिन का हो या 8 महीने का हो शिशु तो शिशु ही होता है, हत्या तो हत्या ही होती है। इस घर में तीन तीन मेंबर जो एकदम ही घटे हैं, नाजायज मौत हुई है, तो थोड़ा कंट्रोल चाहेंगे हम कल्चर के ऊपर संस्कृति के ऊपर दारू का, और थोड़ी रिक्वेस्ट चाहेंगे प्रशासन से कि इन पीड़ित परिवार की सुने और रोड क्लेम में और अपने जो है थाने की प्रक्रिया में इनकी हेल्प करें और इसको शेयर करते रहें आप लोग जब तक बने रहें लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद।